हेलो गाइस, आप सभी के आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग का क्लास 12th का सुमिता अरोरा का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ अपर केस अल्फाबेट्स प्रेजेंट इन टेस्ट फाइल आर्टिकल डॉट टी एस टी। सो गए, चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लेते हैं और चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ अपर केस अल्फाबेट प्रेजेंट इन अ टेस्ट फाइल आर्टिकल डॉट टी एस टी। यानी कि पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं कि ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ना, एक ऐसा आप प्रोग्राम क्रिएट करिए जो ना काउंट करे कि ना पूरे आर्टिकल, जो भी आपका पोएम वगैरह कुछ भी जो आपके फाइल में जो भी लिखा है कंटेंट, उसमें काउंट करे कि ना कितने अपर केस, अपर केस मतलब कि कितने कैपिटल वर्ड है। ठीक, वो एक एक लेटर को बोल रहा है, यानी ये मत समझिए कि पूरा वर्ड कैपिटल होना चाहिए, नहीं, एक अगर उसमें से एक लेटर भी कैपिटल रहेगा तो वही हमको बताना है कि ना देखो भाई इतना कैपिटल है इसमें। ठीक, और कौन सी फाइल में से ये बोला है, इसमें फाइल का नाम दिया है कि ना आर्टिकल डॉट टी एस टी, इस फाइल में ना इस फाइल से काउंट करना चाहिए। ठीक, तो मैं आपको दिखा दूंगा आर्टिकल डॉट टी एस टी। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। मैंने काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू स्टोर 0 करा दी, ठीक, बाद में काउंट करने के लिए। राइट, फिर मैंने क्या किया, एक फाइल नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने ओपन कर लिया आर्टिकल डॉट टी एस टी रीड मोड में। ठीक, क्योंकि राइट मोड में जरूरत नहीं है, सिर्फ रीड मोड हमको रीड कर रहा है। ठीक, फिर मैंने ना रीड करा दिया, डायरेक्ट रीड करा दिया, एस ई एन नाम के वेरिएबल में है, इसको स्टोर करा के इसको रीड करा दिया। रीड कराने का फंक्शन तो आप जानते होंगे, रीड से क्या होगा कि वो पूरी फाइल को रीड कर लेगा। ठीक, यानी कि हर एक एक ना जो पूरे जितने भी लाइनें रहेंगे सब उसके अंदर ना सेन के अंदर ना सब स्टोर हो जाएंगे, स्लैश एन लिख के किस बाकी सब कुछ ना स्टोर हो जाएंगे। राइट, आप रीड फंक्शन का यूज ना अकेले करके देख लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा रीड फंक्शन करता क्या है। मैंने तो सुमिता अरोरा में बता भी दिया, पढ़ भी लिए होंगे। ठीक, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज लेंथ सेन, मतलब कि ना जितना जितना बड़ा ये सेन नाम का ये जो वेरिएबल है जितना बड़ा होगा उतने लेंथ तक चलेगा, यानी कि पूरा 0 से लेके चलेगा उतने तक ना, पर जितना इसका सेंटेंस मतलब कि जितनी इसका लेंथ रहेगा उससे कम तक चलेगा। राइट, क्योंकि इंडेक्सिंग नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो उतना ही आएगा। राइट, एक कम ही तक आएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने क्या किया, अगर सेन का इंडेक्स नंबर आई पे जो भी रहेगा, जो जितने भी आई की वैल्यूज आएंगे 1, 2, 3, 4 ना, उतने इंडेक्स नंबर पे अगर ना इज अपर कंडीशन लगा देंगे तो ना वो बता देगा कि क्या ये ना कैपिटल है या नहीं है। ठीक, तो इसकी मदद से ये चेक करें कि अगर ये कैपिटल है तो क्या हो जाएगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपको मालूम ही होगा। राइट, फिर मतलब काउंट में प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि बता देगा कि ना देखो भाई ये कैपिटल है इतने नंबर। फिर ना जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो काउंट में हमारे जो वैल्यू स्टोर रहेगा वो बता देगा कि इतने लेटर ना इसमें कैपिटल है। राइट, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर प्रिंट करा दिया नंबर ऑफ अपर केसेस अल्फाबेट इक्वल टू काउंट, जितने काउंट में आएंगे उतने आ जाएंगे। ठीक, फिर मैंने फाइल को क्लोज करा दिया। ठीक, रीड मोड है, क्लोज करना कराना जरूरी है, पर आप आदत बना लीजिए, क्लोज करना है तो करना है। ठीक, तो चलिए मैं इसको आपको रन करा के दिखा देता हूँ। नहीं, पहले मैं आपको ना आर्टिकल डॉट टी एस टी फाइल दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा आर्टिकल डॉट टी एस टी फाइल है। ठीक, इसमें देख सकते हैं ये जो लाइक का एल है वो कैपिटल है, फिर द का टी ने स्मॉल है, फिर ए कैपिटल है, फिर ओ कैपिटल है, फिर द में टी कैपिटल है, फिर एच कैपिटल है, फिर टू कैपिटल है, फिर माई स्मॉल है, एम स्मॉल है, फिर फॉर में एफ कैपिटल है, एंड में ए कैपिटल है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया कि इसमें कितने लेटर का हैं। तो इसमें अगर आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और गैस यहाँ पे आई भी, ये देखिए जो आई है आई ये भी तो कैपिटल है गाइस। ठीक, तो यानी कि टोटल कितने हुए, 8 इधर लेफ्ट हैंड साइड जितने थे 8 हो गए, और एक इधर ये आई भी कैपिटल है, टोटल 9 हो गए। तो चलिए अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या वाकई में
9 कैपिटल है कि नहीं। तो सो गाइस देख सकते हैं यहाँ हमारा आ गया नंबर ऑफ अपर केस अल्फाबेट इक्वल टू 9। ठीक, आप चाहें तो इसको प्रिंट भी करा सकते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा कौन कौन से हैं। ठीक, यहाँ पे अगर आपने प्रिंट कर दिया, प्रिंट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट, पर क्वेश्चन में बोला नहीं है पर मैं आपको दिखाने के लिए कर दे रहा हूँ ना, तो यहाँ सेन आई। ठीक, तो हम हमारा ये भी मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से लेटर कैपिटल है। तो देख सकते हैं जो जो मैंने आपको काउंट कराया था वो लेटर कैपिटल है और टोटल 9 लेटर कैपिटल है। ठीक, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। सो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।